Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our last topic of the number theory, that is the Fermat's theorem and the complete residue system, CRS modem, which is also known as in this form. So before I go to this video, please follow the previous video on the congruence and its properties. Okay, in our syllabus only the statement of the Fermat's theorem is given and the problems may come. So what is the statement of the Fermat's theorem? If P be any prime number and P is not a divisor of A, where A be any integer, and you can see that P is not a divisor of A, then A to the power P minus 1 will be congruent to 1 under mod P. So whenever you divide P by A to the power P minus 1, that will leave remainder, or you can say whenever you divide P by A to the power P minus 1 minus 1, that will leave remainder 0. So to satisfy Fermat's theorem, you have to think about this under the modulo operator, जिससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे वो प्राइम नंबर होना है और जिसको हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं वो P से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है ना। P इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ A, तभी हम लोग जाके Fermat's theorem को अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट ए प्रॉब्लम यूजिंग Fermat's theorem. सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी हैव डन इन माई प्रीवियस वीडियो लेक्चर, बट हियर वी विल अप्लाई द Fermat's theorem. So if you like this, then you can apply Fermat's theorem in your exam. But the Fermat's theorem has a little bit restriction, that is the P must be a prime number and prime number does not divide the quantity A. Okay, that is an integer A. So let us find out the least positive residue in 2 to the power 41 under modulo operator 23. So 23 से हम लोग इसको divide करेंगे 2 to the power 41 को, और हम लोग का रेसिड्यू निकालना है। सो 23 इज नथिंग बट ए प्राइम नंबर एंड 23 डज नॉट डिवाइड 2, सो वी कैन अप्लाई द Fermat's theorem. सो दैट विल बी इक्वल टू 22 टू द पावर 23 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1, दैट इज ए टू द पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉड p. सो दैट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 22 कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉड 23. यहाँ पे देखो 41 है तो हम लोग को यहाँ पे 22 मिल चुका है। तो प्रीवियसली मैंने तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अगर a congruent to b है अंडर मॉड्यूल ऑपरेटर m, देन a टू द पावर n विल बी congruent to b टू द पावर n फॉर एनी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर n. सो व्हेन एवर यू टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी हैव 2 टू द पावर 44 congruent to 1 अंडर मॉड 23. सो 2 टू द पावर 44 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 टू द पावर 41 इंटू 2 क्यूब, 2 क्यूब मीन्स 8, दैट इज इक्वल टू congruent to 1. लेकिन हम लोग को यहाँ से 8 को हटाना है क्योंकि यहाँ पे 2 टू द पावर 41 है, तो 8 को कैसे हटाएंगे? तो ये बात अच्छे से देखो कैसे 8 को हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। अभी 23 से अगर 24 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑब्वियस केस. सो 24 इज डिवाइडेड बाय 23, लीव्स रिमाइंडर 1. सो वी कैन से दैट 24 कॉन्ग्रुएंट टू 1 एंड 2 टू द पावर 41 इंटू 8 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर द सेम मॉड्यूलस वैल्यू, दैट इज 23. So 2 to the power 41 into 8 will be congruent to 24 under the same modulus value 23. क्योंकि ये 1 के साथ congruent है, ये भी 1 के साथ congruent है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? Congruent to each other हो जाएगा by the help of modulus 23. तो यहाँ से हम लोग इसको derive कर चुके हैं। अभी 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 into 3. So अगर 8 into 3 लिखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है? देखो, जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है 8, ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी है और राइट हैंड साइड पे भी है, और ये नंबर 23 के साथ प्राइम टू हो रहा है. इट मीन्स दैट 8 एंड 23 आर प्राइम टू इच अदर, दैट इज जीसीडी ऑफ 8 एंड 23 आर इक्वल टू 1. तो ऐसा कोई अगर टर्म मॉड्यूलस m के साथ प्राइम टू होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वो टर्म को कॉन्ग्रुएंस से हटा सकते हैं. क्लियर? सो 8 को हम लोग क्या करेंगे? यहां से हटाएंगे क्योंकि 8 और 23 दोनों प्राइम टू इच अदर है. तो अगर a मॉड्यूलस m के साथ कोई भी नंबर यहाँ पे प्राइम टू हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वो नंबर दोनों साइड पे ही होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे. तो वो नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, डिलीट कर सकते हैं. सो रिमूविंग दिस टर्म 8 एंड वी विल लेफ्ट विथ 2 टू द पावर 41 कॉन्ग्रुएंट टू 3 अंडर मॉड्यूलो 23. सो व्हाट इज द रेसिड्यू? दैट इज द रेसिड्यू इज नथिंग बट 3, और द रिमाइंडर इज नथिंग बट 3. ओके, now go to our next problem. We can see that a very interesting problem is given, that if p is a prime number which is greater than 1, then we have to prove that
1 to the power p plus 2 to the power p up to p minus 1 to the power p, this whole total summation will be congruent to 0 under modulus p. Since p is a prime number greater than 2, so obviously p cannot divide any positive integer which are less than p. It is obvious case. So p से छोटा भी अगर कोई भी number को हम लोग लेंगे और p अगर prime number है, तो p से छोटा जो numbers है उसको divide नहीं कर सकता है. तो इसका मतलब क्या होगा? p 1 को divide नहीं करेगा, 2 को divide नहीं करेगा, up to कितना तक p उसको divide नहीं करेगा, p minus 1 तक divide नहीं करेगा. ये तो obvious case है. तो हम लोग ये सभी value के लिए Farmer's theorem apply कर सकते हैं. तो Farmer's theorem apply करेंगे तो 1 to the power p minus 1 will be congruent to 1 under mod p, 2 to the power p minus 1 will be congruent to 1 under mod p, ऐसे करके p minus 1 to the power p minus 1 will be congruent to 1 under mod p. तो यहाँ पे देखो p है, सभी का power p है, और यहाँ पे हमने p minus 1 power ले आया है. तो अगर p minus 1 है तो p minus 1 से p ला सकते हैं, simply 1 से इसको multiply कर दो both side पे, 2 से इसको both side पे multiply कर दो, तो 2 to the power p रह जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा. यहाँ पे p minus 1 से multiply कर दो, क्योंकि दोनों साइड पे अगर कोई भी सेम पॉजिटिव इंटीजर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉन्ग्रुएंस का वैल्यू सेम रहता है. यही मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में तुम लोगों को समझा चुका हूँ. ये एक कॉन्ग्रुएंस का प्रॉपर्टी है कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b है और c कोई भी एक इंटीजर है तो ac विल बी कॉन्ग्रुएंट टू bc. तो हम लोग 1 से पहला इंटीजर पहला फॉर्मूला को, दूसरे फॉर्म को, 2 से लास्ट फॉर्म को p minus 1 से मल्टीप्लाई किए हैं. तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे सभी देखो p आ जाता है, 2 पावर p आ जाता है. तो इस सभी को ऐड कर दो, 1 टू द पावर p, 2 टू द पावर p, अप टू p minus 1 टू द पावर p. टेक दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी कैन सी 1 plus 2 plus अप टू p minus 1 विल बी देयर. सो इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ इंटीजर्स अप टू p minus 1. तो अगर n नंबर्स का समेशन करना पड़ता है हम लोगों को कंसेक्यूटिव नंबर्स का, तो वो फॉर्मूला है n into n plus 1 by 2. तो यहां पे n कंसेक्यूटिव नंबर के जगह पे p minus 1 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो उसको अगर करेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, p minus 1 into p minus 1 plus 1 by 2. तो p minus 1 plus 1 क्या हो जाता है, p आ जाता है, तो p into p minus 1 by 2 आ जाता है राइट हैंड साइड पे. तो अभी यहाँ पे p into p minus 1 by 2 है और इसको हम लोग p से ही डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो p एक सिंगल टर्म ऑलरेडी आ चुका है, तो ये जो टर्म है तो ये टर्म तो p का मल्टीपल है. तो इसको अगर p से हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि तो p तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा. तो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है. ऐसे ही और एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसको चेक कर लो और तुम लोग समझ जाओगे कि कैसे करना है. अभी चले आते हैं रेसिड्यू क्लास ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो m. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको अच्छे से हम लोगों को समझना है. तो इंटीजर क्लास रेसिड्यू क्लास को हम किसको कहते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं समझा देता हूं. द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स b व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो n इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n और रेसिड्यू क्लास ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n. इसका मतलब क्या है, b कोई भी एक नंबर है, b को हम लोग n से डिवाइड कर रहे हैं, b जो जो इंटीजर के साथ कॉन्ग्रुएंट हो रहा है डिवाइडिंग बाय n, b का जितना भी रिमाइंडर मिलेगा n से डिवाइड करने के बाद, वो सभी को हम लोग एक क्लास कह रहे हैं. वो क्लास होता है रेसिड्यू क्लास. ठीक है, तो रेसिड्यू क्लास का मतलब ये होता है, सपोज हमारे पास कोई भी एक नंबर है 3, तो 3 से अगर कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे, जितना भी उसका पॉजिटिव रेसिड्यू आएगा, नेगेटिव रेसिड्यू आएगा, जो भी आएगा वो कुछ ना कुछ क्लास के अंदर जाता है और उसे ही हम लोग कहते हैं रेसिड्यू क्लास या फिर कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n. और उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a अगर हमारा रेसिड्यू है तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, a बार से डिनोट कर सकते हैं या फिर बॉक्स ऑफ a से डिनोट कर सकते हैं. एंड व्हाट इज बॉक्स ऑफ a, दैट इज इक्वल्स टू b बिलोंग्स टू z, द नंबर्स इंटीजर्स b बिलोंग्स टू z such that b will be congruent to a, that is the residue, b will be congruent to the residue under modulo n. ठीक है, अगर डेफिनेशन समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से उसको समझेंगे. तो मैं जो कह रहा था, सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल दैट वी आर डिवाइडिंग द होल इंटीजर्स बाय 5. तो 5 से अगर कोई भी इंटीजर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे तो वहां पे कितना रिमाइंडर होगा, 0, 1, 2, 3, 4, ये होगा हमारा रिमाइंडर का सेट. अभी देखो 0, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब क्या है, कौन सा इंटीजर है जिसको 5 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आता है, कौन सा इंटीजर है जिसको 5 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आता है, कौन सा इंटीजर है जिसको डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आता है, ये सब होता है रेसिड्यू क्लास.
तो जीरो रिमाइंडर कौन सा नंबर देगा? तो जीरो को सेंटर करके हम लोग यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू बी बिलोंग्स टू जेड, बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू जीरो अंडर मॉड्यूलो फाइव। तो फाइव से बी को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आएगा जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी नंबर होगा वो फाइव का मल्टीपल होगा। तो फाइव का मल्टीपल का मतलब हो जाएगा फाइव इंटू के, के बिलोंग्स टू जेड। ऐसे करके कौन सा नंबर है जिसका रिमाइंडर वन आता है फाइव से डिवाइड करने के। सो दैट मीन्स बी बिलोंग्स टू जेड, बी कॉन्ग्रुएंट टू वन अंडर मॉड फाइव। तो इसको कैसे लिखेंगे, वन वन प्लस माइनस फाइव, वन प्लस माइनस टेन, ऐसे करके। जैसा कोई भी नंबर सिक्स या फिर इलेवन, इसको सिक्स को अगर तुम फाइव से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वन आ सकता है। टेन को अगर इलेवन को अगर फाइव से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, वन आएगा। माइनस नाइन को अगर फाइव से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, प्लस वन आएगा, क्योंकि माइनस नाइन कॉन्ग्रुएंट टू वन अंडर मॉड्यूलो फाइव। सो दैट इज नथिंग बट फाइव के प्लस वन। तो ऐसे करके अगर कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में है रिमाइंडर फोर, तो वो हो जाएगा फाइव के प्लस फोर। तो अभी तो तुम लोग कह सकते हो मुझे ये सर ने यहाँ पे फाइव के प्लस फोर पे खत्म कर दिया है, उसके बाद सर ने क्यों नहीं लिया है, फोर के बाद क्या और कोई क्लास नहीं रहेगा? ऑब्वियसली फोर के बाद भी क्लास है, लेकिन वो डिस्टिंक्ट क्लास नहीं होगा। सपोज लो, सपोज तुम फाइव के रिस्पेक्ट में क्लास करना चाहते हो, तो फाइव के रिस्पेक्ट पे जो क्लास होगा वो एक्चुअली जीरो क्लास के साथ मार्ज हो जाएगा, क्योंकि फाइव रिमाइंडर फाइव से डिवाइड करने पे मिलता है। तो इसका मतलब उसका एक्चुअल रिमाइंडर क्या है, जीरो है। अगर वन हम यहाँ पे है और अगर सिक्स हम लोग यहाँ पे लेंगे, सिक्स क्लास जो होगा रेसिड्यू क्लास मॉड फाइव, और वो वन क्लास के साथ क्या हो जाएगा, मार्ज हो जाएगा, क्योंकि सिक्स तो इस क्लास के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। वन प्लस फाइव करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी सिक्स प्रेजेंट है। तो एक्चुअली हम लोग को कितना रेसिड्यू क्लास मिल रहा है फाइव से डिवाइड करने पे, फाइव एग्जैक्टली रेसिड्यू क्लासेस मिल रहा है, ठीक है ना। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और रेसिड्यू क्लास फाइव से ही एग्जाम पे दिया हुआ जाता है। अभी एक बात देखो तुम लोगों को मैं बता देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। रेसिड्यू क्लास क्या करता है, रेसिड्यू क्लास का एक प्रॉपर्टी है, जिस सेट के ऊपर हम लोग मॉड्यूलस को डिवाइड कर रहे हैं, डिफाइंड कर रहे हैं, वो सेट को मॉड्यूलस ऑपरेटर एक पार्टीशन में ब्रेक कर देता है। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, पार्टीशन के बारे में मैंने सेट थ्योरी में बताया था, अगर पता नहीं है तो मेरा वीडियो लेक्चर सेट थ्योरी पे चेक कर लो, वहां पे पार्टीशन के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया है। तो पार्टीशन का मतलब यह होता है कि अगर हमारे पास एक सेट है उसको हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स पे ब्रेक कर सकते हैं। जो फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स होगा उसका यूनियन वो टोटल सेट एस होगा, और हर एक फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स जो मैंने लिया है वो सभी का इंटरसेक्शन फाई होता है। इट मींस द सेट्स आर इंडिविजुअली डिसजॉइंट सेट्स, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। सो व्हेन एवर वी थिंक अबाउट द क्लास जीरो, तो क्लास जीरो के अंदर कितना इंटीजर है सोचो, क्लास जीरो के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, वो फाइव के मल्टीपल फॉर्म में है। तो जीरो है उसके अंदर, प्लस फाइव है, माइनस फाइव है, प्लस टेन है, माइनस टेन है, ऐसा करके सभी इंटीजर क्लास जीरो के अंदर है। अभी चले जाते हैं क्लास वन, क्लास वन पे कितना कितना है, वन है, वहां पे सिक्स है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस फोर है, प्लस इलेवन है, माइनस नाइन है, ऐसे करके नंबर है। तो अगर सभी क्लास को हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग देख सकते हैं ये सेट ऑफ इंटीजर जो है, ये पूरा सेट ऑफ इंटीजर को ये सभी क्लास क्या कर रहा है, एक पार्टीशन में ब्रेक कर रहा है। पार्टीशन का मतलब क्या हो रहा है, अगर तुम सभी क्लास का यूनियन ले लोगे, दैट मीन्स व्हेन एवर यू कंबाइंड ऑल दो सेट्स, दैट इज आई एम शोइंग हियर, ऑल दो सेट्स इफ यू टेक द यूनियन यू विल गेट द टोटल सेट ऑफ ऑल इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर में जितना भी इंटीजर है सभी ये सेट के ही अंदर है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, पहला बात यह है। दूसरा बात यह है कि देखो ये सेट में जितना भी एलिमेंट है वो एलिमेंट्स ये सेट में कहीं पे भी नहीं है, दैट मीन जीरो क्लास और वन क्लास के बीच में इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स दिस टू क्लासेस आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। सिमिलरली जीरो क्लास टू क्लास आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, जीरो क्लास एंड थ्री क्लास आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, एंड एवरी क्लासेस आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। सो दैट इज नथिंग बट द कनेक्शन ऑफ द That is nothing but the connection between the partition and the residue class. So the last topic is that the complete residue class, that is the CRS. So complete residue class किसको कहेंगे? Actually मैं जो तुम लोगों को पिछला example बताया था वो ही complete residue class है। Complete residue class क्या कहता है? देखो, a set of m integers r1, r2, rm is said to form a complete residue system.
CRS under modulo operator M, modulo M, M is a fixed positive integer. If no two elements of the set are congruent modulo M, no two elements of the set are congruent modulo M. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं, 1, 1 क्लास के अंदर है, 0, 0 क्लास के अंदर है, 1, 0 क्लास के अंदर नहीं है, 0, 1 क्लास के अंदर नहीं है. ऐसे अगर हम लोग 7 को पकड़ते हैं तो 7 कहां पे है? देखो 7, 2 क्लास के अंदर है और 7 किसी और क्लास के अंदर नहीं है. वही बात मैं तुम लोग को यहां पे बताना चाहता हूं. फॉर द प्रीवियस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द 0 क्लास आर एक्चुअली नॉट बिलोंग्स टू द क्लास 1 एंड वाइस वर्सा एंड दैट इज रिमेन्स ट्रू फॉर ऑल रेसिड्यू क्लासेस. तो एक्चुअली कंप्लीट रेसिड्यू क्लास क्या होता है? कंप्लीट रेसिड्यू क्लास का मतलब ये है, अगर हम लोग सभी इंटीजर्स को एक पार्टीशन में ब्रेक कर सकते हैं, जहां पे जो क्लासेस हम लोग को मिल रहा है उस क्लासेस के अंदर, एक क्लासेस के अंदर जो भी एलिमेंट है वो दूसरे क्लास में नहीं जाएगा. जैसे 0 क्लास में जो एलिमेंट है वो 1 क्लास में नहीं जाएगा, 1 क्लास में जो एलिमेंट है वो 2 क्लास में नहीं जाएगा, ऐसे करके. ऐसे करके अगर हम लोग पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स को लिख सकते हैं तो हम लोग कहते हैं दैट फॉर्म्स ए कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम. तो यहाँ पे कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम को एक्चुअली हम लोग जेड एन से डिनोट करते हैं. जेड सफिक्स एन, जेड का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर, एन का एन जो है होता है जेड एन सफिक्स में होता है, एन होता है दैट द क्वांटिटी बाई विच वी आर डिवाइडिंग. तो यहाँ पे देखो कंप्लीट रेसिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो 5 क्या होता है? यहाँ पे है जेड 5. तो इसका मतलब क्या है? 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो कितना हम लोग को क्लास मिलेगा? जो जो क्लास होगा वो ही क्या होगा? CRS mod M का कलेक्शन होगा, ठीक है ना. तो Z5 इज नथिंग बट 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और यू कैन से box 0 box 1 box 2 box 3 box 4. दिस प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी अपीयर सो मेनी टाइम्स इन एग्जाम. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. क्लियर? नेक्स्ट वी गो टू अनदर थिंग, दैट इज द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ZN. सपोज हमारे पास एक रेसिड्यू क्लास है, कंप्लीट रेसिड्यू क्लास है, और कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है वो है ZN. तो ZN का मतलब क्या होगा? N से डिवाइड करने पे कितना हम लोगों को रिमाइंडर मिलता है? तो N से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा? 0 अप टू n-1. तो कितना क्लास मिलेगा? 0 1 अप टू n-1 क्लास मिलेगा. तो कोई भी एक एलिमेंट अगर B हम लोग चूज करते हैं, जो B है B क्लास, ठीक है ना, ZN का एलिमेंट का मतलब है एक्चुअली ये क्लास दे रहा है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, सिंगल एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है. तो एन एलिमेंट बी बार और वी कैन से द बॉक्स बी इज सेड टू बी एन इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए और बॉक्स ए इन जेड एन इफ देयर प्रोडक्ट इज गिविंग अस द क्लास 1. दोनों क्लास को प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? क्लास 1 मिलेगा. अगर मिलता है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट का क्या हो रहा है? इनवर्स हो रहा है, ठीक है. तो समझ लो Z5 हमारे पास है, तो Z5 में कितना क्लास होगा? 5 क्लासेस आर देयर, दैट इज 0 बार 1 बार अप टू 4 बार. ओके, तो यहां पे देखो 2 क्लास और 3 क्लास, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्चुअली 6 क्लास हम लोग को देगा. और 6 अगर आ रहा है तो 6 को 5 से डिवाइड कर दो. मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना पड़ता है. तो 6 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये रिमाइंडर क्या देगा? 1 देगा. तो तुम लोग सोचते हो कि 2 बार के अंदर तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, 3 बार के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, तो सैंड ने इसको कैसे यहां पे लिखा है? 2 बार के अंदर 2 खुद ब खुद एक एलिमेंट है, 3 बार के अंदर 3 भी एक एलिमेंट है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाता है? 6 आता है. 6 को 5 से डिवाइड करो तो वो क्या होता है? 1. तो 1 किस क्लास के अंदर है? 1 बार के अंदर है. 2 बार का और दूसरा कोई एलिमेंट पकड़ लो, से 7. 7 कहां पे है? 2 बार में है, ठीक है ना, एटलीस्ट क्लास 2 पे बिलोंग कर रहा है. जैसे हम लोग देखते हैं प्रीवियस एग्जांपल पे, अगर तुम लोग सोचते हो यहां पे देख लो, यहां पे 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 है 2 बार के अंदर. 3 बार से कोई भी एक एलिमेंट लेता है, से 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 मीन्स दैट इज 8. 8 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है? 7 इंटू 8, दैट इज 56. 56 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स जाएगा, वो 55 हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो दैट मींस व्हेन एवर यू मल्टीप्लाइंग दिस टू क्लासेस, एक्चुअली दिस इज प्रोवाइडिंग द क्लास 1. तो ये है मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला, दैट इज ए बार एंड बी बार व्हेन एवर इट मल्टीप्लाइड देन वी विल टेक ओनली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी. सिंपली वी विल कंसिडर दिस टू आर द सिंगल एलिमेंट्स, टेक द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी एंड देन टेक द मॉड्यूलस, ठीक है. ब्रैकेट का मतलब
मॉड्यूलस ले चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टू और थ्री क्या हो रहा है, इनवर्स ऑफ ईच अदर, लेकिन यहाँ पे दूसरा कोई एलिमेंट या फिर तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है जो दूसरे कोई एलिमेंट का इनवर्स हो रहा है। जैसे वन और फोर को ले लो, वन और फोर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फोर आएगा, वन तो नहीं आ रहा है। थ्री और फोर को ले लो, थ्री इंटू फोर करेंगे तो क्या आएगा, ट्वेल्व आएगा। तो ट्वेल्व को अगर फाइव से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होता है, टू होता है, वन नहीं होता है। तो थ्री और फोर तो इनवर्स ऑफ ईच अदर नहीं होगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करके एक थियोरम टू टाइम्स आ चुका है, ये एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। तो ऐसा करके अगर कोई भी क्लास तुम लोगों को दिया हुआ जाएगा और तुम लोगों को फाइंड आउट करना है इनवर्स, तो क्या हम लोग पूरे दिन बैठ के ये सब करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे, उसका ही फॉर्मूला ये है। देखो, शो दैट द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन इन जेड एम विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ एम एन विल बी इक्वल टू वन। तो जो एलिमेंट का हम लोग इनवर्स निकालना चाहते हैं किस सेट के अंदर, जेड एम सेट के अंदर। जेड एम का मतलब क्या है, कंप्लीट रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो एम। इसका मतलब एम से ही हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जितना भी है वो उस सेट के अंदर है। तो एन अगर कोई भी एलिमेंट जेड एन के अंदर है, तो यहां पे मैंने बॉक्स नहीं दिया है एन, यहां पे तुम लोग बॉक्स देके भी कर सकते हो, बार देके भी कर सकते हो। मैं यहां पे सिंगल एलिमेंट लिया है, तो सिंगल एलिमेंट यहां पे, सिंगल एलिमेंट का मतलब ही यहां पे क्लास डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। प्रॉब्लम ऐसा ही दिया हुआ था इसीलिए मैंने ऐसा इसको लिख दिया है। एक्चुअली यहां पे बॉक्स होगा या फिर बार होगा, क्लियर। सो शो दैट एन इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट एन इन जेड एम विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ एम एन विल बी इक्वल टू वन। तो अगर ये एन और एम का जीसीडी वन आ जाता है तभी जाके हम लोग कह सकते हैं उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या था, हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, यहां पे टू और थ्री है ना, तो टू और थ्री दोनों को अगर जीसीडी करेंगे तो क्या आ जाता है, टू और थ्री का, टू और थ्री का जीसीडी है वन। तो हम लोग कह सकते हैं टू एंड थ्री आर प्राइम टू इच अदर, दैट मीन्स टू विल हैव इनवर्स एज वेल एज थ्री विल हैव एन इनवर्स। तो एन और एम का अगर जीसीडी वन हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो जीसीडी ऑफ एम एन इक्वल टू वन पकड़ लेते हैं, तो अगर जीसीडी ऑफ एम एन वन होगा तो दोनों इंटीजर मिलेगा यू भी, सच दैट एम यू प्लस एन भी विल बी इक्वल टू वन। तो अभी अगर ये टर्म को हम लोग एम से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म तो एम से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये एम का मल्टीपल है, तो ये टर्म बचेगा, दैट इज एन इंटू वी, और राइट हैंड साइड पे क्या है वन, तो एन वी और राइट हैंड साइड पे वन जाएगा। तो ये टर्म को अगर एम से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये एम का मल्टीपल है, इसका रिमाइंडर हो जाएगा जीरो, लेकिन इसको अगर एम से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा वन। तो इसको मैंने लिखा है, अभी देखो वी का वैल्यू तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन एम होगा, क्योंकि वी का वैल्यू अगर जीरो होगा तो ये तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो हो जाएगा। जीरो कॉन्ग्रुएंट टू वन कभी नहीं होता है कोई भी मॉड्यूलस के अंदर। तो अगर वी का वैल्यू एम से ज्यादा हो जाता है तो वी को फिर से एम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो v को अगर m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो v अगर कॉन्ग्रुएंट टू r है तो n v कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, n r हो जाएगा। अभी r किसके अंदर है, r तो m से छोटा है क्योंकि r तो m से छोटा होगा क्योंकि इसका तो रेसिड्यू है ना, v को m से डिवाइड करने के बाद ही हम लोग को r मिला है। तो r ऑब्वियसली किस सेट के अंदर चला जाएगा, जेड एम सेट के अंदर चला जाएगा। तो एन इंटू आर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहां से हम लोग को क्या दिखने को मिलता है, एन एक इंटीजर है जो जेड एम सेट के अंदर है, आर दूसरा एक इंटीजर हम लोग को मिल गया जेड एम सेट के अंदर, जिस दोनों को प्रोडक्ट करके हम लोग क्या निकल सकते हैं, वन निकल सकते हैं। तो ये हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कह सकते हैं यहां से, दैट मीन्स एन हैज एन इनवर्स आर, आर हैज एन इनवर्स एन। ओके, कन्वर्सली हम लोग पकड़ रहे हैं कि एन का कोई भी एक इनवर्स है, ठीक है, कन्वर्सली प्रूफ करना है एन का कोई भी एक इनवर्स है। सपोज हमारे पास इनवर्स है पी, तो एन का अगर इनवर्स पी होगा तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एन पी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू वन अंडर मॉड्यूलो एम। यहाँ पे मैंने कन्वर्स का, इनवर्स का डेफिनेशन बोला था तुम लोगों को, वन होना चाहिए मॉड्यूलस एन के अंदर। तो एन इंटू पी करेंगे तो वो हो जाता है कॉन्ग्रुएंट टू वन अंडर मॉड्यूलो पी, तो मॉड्यूलो एम सॉरी। तो एम से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे पी एन माइनस वन वो डिवाइड हो जाएगा, ये तो डिवाइड कॉन्ग्रुएंट का डेफिनेशन ही है। तो एम से अगर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाता है। तो पी एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एम इंटू मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो। तो यहाँ पे हम लोग दिख सकते हैं पी इंटू एन प्लस एम इंटू माइनस के, दैट इज इक्वल टू वन। सो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है एम इज मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर, पी इज मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर एंड दे आर लीनियर कॉम्बिनेशन इज गिविंग अस वन, दैट मीन्स पी एंड एन, एम सॉरी एम एंड एन आर प्राइम टू इच अदर, सो जीसीडी वन हो गया, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर नंबर थ्योरी चैप्टर। Next we will start with the abstract algebra. Follow each video lecture for abstract algebra, otherwise a single line you can't understand.